और चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि इस वक्त पासिंग आउट परेड में मौजूद है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरबीसी बैच संख्या S13 में ओवरऑल प्रथम स्थान पर रहे हैं सिपाही नरविंदर कुमार, थर्ड बटालियन HAP। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई। द्वितीय स्थान पर रहे हैं सिपाही वकील कुमार, गुड़गांव। इनका जन्म 26 जून 1998 को गांव केहरवाला जिला सिरसा में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता BSc है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कार। तृतीय स्थान पर रहे हैं सिपाही जगवीर सिंह, थर्ड बटालियन HAP। इनका जन्म 2 नवंबर 1994 को गांव बादशाहपुर जिला गुड़गांव में हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कार। धन्यवाद श्रीमान। ये शानदार क्षण, ये उत्साहपूर्ण वातावरण, चारों तरफ खुशी का माहौल, अपने पसीने की कैफियत से खुशनुमा किया है, जो पूरे प्रदेश को खूबसूरती देगी, खुशनुमा कर देगी। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने परवान पे है किया है। मिर्जापुर मालदा जैसे छोटे गांव में जन्म लेने के उपरांत मेधावी छात्र जीवन का परिचय देते हुए BA LLB तक की उपाधियां जिन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा विधानसभा में श्रम मंत्री के नाते जनता को भरपूर आशीर्वाद देना हो, देश की सबसे बड़ी जनता अदालत कहिए देश ध्वज स्वीकार किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को राष्ट्रगान अतीत प्रगतिशील वर्तमान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। तो ये पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आपको रोहतक से दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं और हरियाणा पुलिस में 1,265 जवान शामिल है। इस दौरान की तस्वीरें, ये पासिंग आउट परेड की बेहद खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक नई शक्ति बन करके लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आज वो शामिल हो रहे हैं। मैं सभी 1,265 जवानों को, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी और उस ताकत से हरियाणा के लोगों को जो पुलिस से सहयोग सुरक्षा का भाव होता है, पुलिस के इन जवानों में हरियाणा पुलिस के साथ मिलते हुए ये और प्रागढ़ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस पहले भी, चाहे कोई क्रिमिनल है या कोई नशा के अंदर लिप्त होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कहीं ना कहीं उनको सजा दिलवाने का काम भी हमारे ये पुलिस के जवान करते हैं। आज 1,265 हमारे जवान पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं। मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके परिवारजन भी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर जो क्रिमिनल होता है या कोई गुंडा तत्व होता है, जिसका भय होता है, पुलिस की ये जिम्मेवारी होती है कि आम जन को ये लगे कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरी सुरक्षा के लिए आया है, ये भाव पुलिस के अंदर होता है। और जो इस प्रकार के गुंडा तत्व लोग होते हैं, उनके अंदर इसका भाव का डर होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए और मेरे खिलाफ कोई
सख्त कार्रवाई ना हो, उनके प्रति डर का भाव, जन के प्रति सेवा का भाव, उनको लगे कि ये हमारी सेवा के लिए आए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, और तभी सुरक्षा सेवा सहयोग हरियाणा पुलिस।